एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो गाइस, आज हम जो वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, ये वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है, जो कि शिवरात्रि के ऊपर बड़े महादेव के गुप्त महादेव टेम्पल जो कि चौरागढ़ में है। और चलते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि आज शिवरात्रि भी है, काफी बड़ा दिन है और मतलब रात है, और जो है वो काफी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है इस नाइट को। सो यस, चलते हैं, देख लेते हैं वीडियो को। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकेंगे। चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए, ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, हियर वी गो। पंचमढ़ी हिल स्टेशन के सतपुड़ा पर्वत के ऊपर चौरागढ़ महादेव जी का मंदिर बना हुआ है, और माना जाता है कि शिव जी स्वयं इस जगह पर आए थे और यहाँ पर वो अपना त्रिशूल छोड़ के गए थे। तब से लेके आज तक यहाँ पर त्रिशूल चढ़ाने की प्रथा है। तो चले यात्रा को शुरुआत करते हैं। पंचमढ़ी से चौरागढ़ 11 किलोमीटर के दूरी पर है। चौरागढ़ महादेव की तरफ जाते हुए ग्रीन वैली व्यू पॉइंट नजर आता है। यहाँ से आपको बहुत ही बड़ा लैंडस्केप में वैली का व्यू नजर आता है। सामने आप देख ही रहे होंगे कितना बढ़िया नजारा है। चौरागढ़ महादेव जाने से पहले हम बड़ा महादेव जी का दर्शन करेंगे, और ये जगह बहुत ही बढ़िया है। और बड़ा महादेव जी का मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल प्राकृतिक के बीच में बसा हुआ है। चौरागढ़ बड़ा महादेव जी का मंदिर चौरागढ़ के इन प्राकृतिक गुफा के अंदर बना हुआ है। गुफा में है। भस्मासुर को वरदान मिला था कि वो जिसके सर के ऊपर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और भस्मासुर की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, जो कि शिवजी के सर के ऊपर हाथ रखने निकल पड़ा। और शिवजी भस्मासुर से बचने के लिए इसी चौरागढ़ के गुफा के अंदर छुपने के लिए आ गए थे। फिर विष्णु भगवान जी ने यहाँ पर जो कुंड बना हुआ है वहाँ पर भस्मासुर का वध किया था। वहाँ पर बड़ा महादेव जी का एंट्री गेट है, और ठीक उसी के सामने गुप्त महादेव जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। और बड़ा महादेव जी से गुप्त महादेव ओनली 500 मीटर के ही दूरी पर है। बड़ा महादेव जी से मात्र 5 मिनट चलने के बाद ही हम पहुंच चुके हैं गुप्त महादेव जी के पास में। और पंचमढ़ी एक ऐसी जगह है, यहाँ पर ज्यादा करके शिव गुफा के अंदर स्थापित है। और आप गुप्त महादेव जी भी देख सकते हैं कितने सक्रिय, कितने छोटे गुफा के अंदर विराजमान है। और इस गुफा के अंदर जाते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान से जाना है, क्योंकि ये पंचमढ़ी की सबसे सक्रिय और छोटी गुफा है। गुप्त महादेव जी के हमारे दर्शन हो चुके हैं, और मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं। आपने देखा कि गुफा के अंदर से दर्शन करना होता है, और अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं चौरागढ़ महादेव जी की ओर। गुप्त महादेव से ही चौरागढ़ महादेव का ट्रैकिंग स्टार्ट होता है, और टोटल ट्रैकिंग डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर का है, जो आपको तय करने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। गुप्त महादेव से लगभग आधा घंटा चलने के बाद जो चौरागढ़ का बेस पॉइंट है वहाँ तक हम पहुँच चुके, और यहाँ से हमारी असली चढ़ाई चालू होने वाली है। यहाँ पर लिखा हुआ है पहली पायरी, यानी कि यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। तो भोले बाबा का नाम लेते हुए इस यात्रा का अभी प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ मतलब स्टार्ट, तो असली चढ़ाई शुरू होती है। चौरागढ़ महादेव जी को बड़ा महादेव जी के नाम से भी जाना जाता है। श्रावण माह में और महाशिवरात्रि को ज्यादा संख्या में चौरागढ़ की यात्रा पर भक्तगण आते हैं। सीढ़ियाँ खत्म हो चुकी है, और अभी ये प्लेन रास्ता स्टार्ट हुआ है। रास्ते से ट्रैकिंग करते वक्त आपको ऐसा प्लेन पैच लगेगा, बीच में सीढ़ी आएगी, इसी रास्ते से चलने में थोड़ा अच्छा लगता है। 15 मिनट ट्रैकिंग कर आने के बाद आपको ये सीता माता की गुफा नज़र आएगी। यहाँ पर लिखा है सीता नहाने गुफा। ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी पहाड़ी है, और नीचे ये गुफा है। गुफा के अंदर जो भी भक्तगण आते हैं वो अपनी मनोकामना अनुसार ऐसे पत्थर रखते हैं। सीढ़ियों से चलकर आप जैसे ऊपर आओगे, सामने अगर आप ध्यान से देखें इस पेड़ की तरफ, तो सामने आपको चौरागढ़ महादेव जी का मंदिर नज़र आएगा। चौरागढ़ के इस ब्यूटीफुल वादियों से गुजरता हुआ मैं अकेला ही जा रहा हूँ, ज़्यादा यहाँ पर भक्तगण आपको अभी नज़र नहीं आएंगे। श्रावण महीने में और जब महाशिवरात्रि होती है तभी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है,
और अभी आप देख सकते हैं हर जगह मुझे शांति महसूस हो रही है, ठंडी हवाएं भी चल रही है और बहुत ही बढ़िया जगह है। आपको इस ट्रैक पर एक बार ज़रूर आना चाहिए। इस माउंटेन के ऊपर से पानी टपकता हुआ नीचे आ रहा है और यहाँ पर आपको दिखेगा कुंड, उसमें जमा हो रहा है, तो ये पानी बहुत ही नीट एंड क्लीन है। ये पानी आप पी सकते हैं समर के सीजन में, जब धूप ज़्यादा होती है तब आप ये पानी पी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी हर अच्छा ये पानी मिलेगा। पी सकते हैं और हर टाइम यहाँ पर ये पानी होता है। यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं कितना बढ़िया है। kind of पंचमढ़ी का सबसे बढ़िया व्यू मुझे इसी जगह पर नजर आया और सामने ही चौरागढ़ महादेव जी का मंदिर भी मुझे नजर आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं ऊपर, एकदम ऊपर। और इस रास्ते से हमें जाना है ऐसे घूमते हुए, और ये जो माउंटेन दिख रहा है आपको, इसको घूमते हुए ऐसा क्रॉस करके आगे जाना है। फाइनली हम महादेव जी के मंदिर तक जाने वाली सबसे पहले लोहे की सीढ़ियों के पास में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर पहुंच जाने के बाद आप समझ लेना कि आपको थोड़ी सी और खड़ी चढ़ाई करनी होगी। चौरागढ़ महादेव जी का मंदिर आपको सामने क्लियरली नजर आ रहा होगा, और उन सीढ़ियों से चलकर आने के बाद आपको ये वाली सीढ़ियाँ नजर आएगी कॉन्क्रीट की। और यहाँ पर जब आप पहुंच जाओगे तो आप समझ लेना ये अभी पास ही में, यहाँ तक आ जाओगे तो 80% रूट कवर हो जाता है। सीढ़ियों से 10 मिनट चलने के बाद आपको ये 80% रूट कवर हो जाता है। नाइस, वाओ, पंखी है यहाँ पर। और नजारा देखने के बाद आप समझ लेना कि आप चौरागढ़ मंदिर तक पहुंचने वाले हो। और फाइनली हम प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके, और पूरा जहाँ से बेस पॉइंट से ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ से यहाँ तक आने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। अगर आप रुक के आराम से आते हो तो 2 घंटे में यहाँ तक पहुँच जाओगे। फाइनली मैं चौरागढ़ मंदिर तक पहुंच चुका हूं, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और यहां तक आने में मुझे 1 घंटा 20 मिनट का समय लगा। मंदिर के अंदर हमारे दर्शन होने में मात्र 2 मिनट का समय लगा। यहां के पंडित जी ने हमें बताया कि इस पहाड़ी पर चौरा बाबा साधु तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनको दर्शन दिए थे, और दर्शन देते वक्त शिवजी अपना त्रिशूल इस जगह पर छोड़ गए थे। तब से लेकर आज तक यहाँ पर त्रिशूल चढ़ाने की प्रथा है, और इसीलिए इस जगह को चौरागढ़ के नाम से जाना जाता है। मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद मंदिर के पीछे आना, यहाँ से व्यू देखो कितना बढ़िया व्यू नजर आ रहा है, और यहाँ से आपको पंचमढ़ी भी नजर आ रहा है। और ये पंचमढ़ी हिल स्टेशन का 2nd हाईएस्ट पॉइंट है, जो 1st हाईएस्ट पॉइंट है वो धूपगढ़ में। चौरागढ़ महादेव जी के हमारे दर्शन संपूर्ण हो चुके, और जहाँ से हमने हमारी यात्रा शुरू की थी, बड़ा महादेव जी, गुप्त महादेव जी, वहीं पर हम अभी वापस जाने वाले, तो देखते हैं नीचे जाने में कितना समय लगता है। फाइनली 1.5 घंटा ट्रैकिंग करने के बाद हम नीचे पहुंच चुके हैं जहाँ से हमने स्टार्ट की बड़ा महादेव जी से। अगर आप चौरागढ़ महादेव जाते हो तो कुछ भी करके 5:30 बजे से पहले आप नीचे आ जाना, क्योंकि अंधेरा हो जाता है, ये वाइल्ड लाइफ एरिया है पूरा, तो आपको सेफ्टी का भी आपका ध्यान रखना है और नीचे जल्दी आ जाना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग और पीसफुल था, बहुत ही एक जो म्यूजिक लगाया गया ना पीछे साउंड, तो वो बहुत ही मतलब रिलैक्सिंग सा लग रहा था मुझे। और जो व्यू दिखा रहे थे ना उसको देखकर एक पीस अंदर से ना एक सुकून फील हो रहा था, सुकून होता है ना वो महसूस हो रहा था मुझे, जो कि बहुत ही अच्छा। और आई थिंक ये एक बहुत अच्छी बात है गाइस के यहाँ पर लोग जो हैं अपनी इतनी दूर से आते हैं, एक दिल में ख्वाहिश होती है ना कि हम इस जगह पर जाएं और विजिट करें और देखें, तो ये हर एक की ख्वाहिश होती है। तो जाहिर सी बात है फिर लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी जो है वो पूजा करते हैं, आरतियाँ करते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स
वाकई में ही अंधेरा हो गया है क्योंकि पहाड़ है ऊपर, बहुत ही मुश्किल से जाना पड़ता है 2 घंटे। मैं समझती हूँ कि 2 घंटे सही है, थकने से बेहतर है रिलैक्स होकर आहिस्ता आहिस्ता जाओ सांस लेकर, क्योंकि ट्रैकिंग करना और फिर इतना ऊपर जाना। मुझे अब भी याद आ रहा है कि मैंने ना काफी सारे केदारनाथ की भी वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग यात्रा के लिए गए हैं, तो मैं ये कहूंगी कि केदारनाथ जो यात्रा है उस पर भी लोग कितना ट्रैकिंग करते हैं, फिर हेलीकॉप्टर का भी यूज किया जाता है। तो जो है वो ज्यादातर टेम्पल जो है हिस्टोरिकल टेम्पल्स जो है, और ज्यादातर जो शिव जी के जो टेम्पल है, मैंने ये नोट किया है कि ये टेम्पल हमेशा आपको हिली एरिया में ही नजर आएंगे। और आप देखें 4 धाम जो टेम्पल्स हैं ये भी आपको हिली एरिया में नजर आएंगे, मतलब कि बहुत ऊंचाई पे। तो क्योंकि मुझे इसका लॉजिक ये लगता है कि शिव जी जो हैं उनको पर्वत में रहना पसंद था, मतलब कि ऊंचाई पर, तो उस वजह से उन्होंने हमेशा ऊंचाई पर रहते थे, उनको वह सब पसंद था, इसलिए वो वहां पर जो है ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ओवरऑल अच्छा लगा वीडियो देखकर, और जो है वहां पर जो गुफा है वो काफी ज्यादा खूबसूरत बनी हुई है और काफी उसको बनाया गया होगा यकीनन, लेकिन मैं समझती हूँ कि जब अगर कोई मोटा आदमी, मतलब मेरे जैसे, तो आराम से चले जाएंगे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थिन हूँ। कमेंट में बताओ थिन हूँ कि नहीं हूँ, मुझे तो लगता है मैं बहुत ज्यादा थिन हूँ, बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। वैसे मुझे आजकल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तुम थिन हो गई हो बहुत ज्यादा। खैर इसके अलावा कम टू द पॉइंट, तो इसमें मोटे लोग तो बहुत ही मुश्किल से जा सके होते होंगे, वरना जाते ही नहीं होंगे क्योंकि वापसी एक बार तो चले गए जैसे तैसे, लेकिन वापसी आने में उनको पता है कि हमने वापस पता नहीं आए या ना आए ना, तो खैर मुश्किल है। लेकिन यह है कि बहुत बड़ी बात है कि भाई इसमें गोपांग के अंदर जाना और वहां पर जाके अपने आप मतलब के जो भी है पूजा वगैरह करके आ जाना, उसके बाद फिर जो है वो ऊपर जाना पहाड़ों पर, इतना खूबसूरत अनएक्सपेक्टेड टेम्पल था जो कि मुझे आइडिया नहीं था कि इतना खूबसूरत टेम्पल दिखने को मिलेगा, मतलब वाइट कलर के पत्थर से जो है वो उस टेम्पल को बनाया गया और इतना खूबसूरत और बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सा लग रहा था टेम्पल, क्योंकि इंडिया में जो मोस्टली मैंने टेम्पल देखे हैं वो थोड़े डिफरेंट से होते हैं, उस पर कुछ ना कुछ बना हुआ होता है, लेकिन ये टेम्पल सिर्फ मार्बल से बना हुआ है, आई थिंक सिंपल सा बना हुआ है बट बहुत ही यूनिक सा लग रहा है। तो आई थिंक शिवजी इज एवरीवेयर ऑन अर्थ, ऑन पर्वत, ऑन इन एवरीवेयर। सो मैं समझती हूँ कि हर जगह पर शिवजी हैं और उनको आप जहां भी देखेंगे आपको मिल जाएंगे, और जो है वो हर जगह पर कुछ ना कुछ हिस्ट्री है, कुछ ना कुछ उसके पीछे स्टोरी है, और बहुत कुछ है जो कि शिव जी से रिलेटेड, और हमें इस वीडियो में काफी कुछ मिला जानने के लिए रियलिटी, और स्पेशली वीडियो में काफी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को जरूर आप फॉलो करें और प्लस मुझे भी फॉलो करें और मेरे रिएक्शन भी वॉच करें, और मुझे कमेंट में बताएं आप लोगों को मेरे रिएक्शन कैसे लगते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा और जानकर आप लोगों का रिव्यू। एट लास्ट आप लोग मेरे YouTube फैमिली हैं तो जाहिर सी बात है, और हाँ मैंने एक व्लॉग चैनल भी बनाया तो यार जरूर फॉलो कर लिया करें, नीचे इसका लिंक शेयर कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो प्लीज मेरे व्लॉग चैनल को फॉलो करें, उस पर मैं व्लॉग्स अपलोड करती हूँ तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखना, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।